इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्यम। सरकार ने वाहनों में अब स्टेपनी रखने पर दे दी है छूट कि अब स्टेपनी की जगह लगा सकते हैं टायर रिपेयर किट। तो आइए जानते हैं कि एमबी एक्ट में हुए इस बदलाव के पीछे क्या क्या है कारण और किन किन वाहनों पर ये बदलाव लागू होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं सरकार की घोषणाओं को। हाल में ही मोर्थ के आधिकारिक बयान के अनुसार अब M1 कैटेगरी वाले वाहनों को स्टेपनी रखने की जरूरत नहीं है। इस घोषणा के तहत M1 कैटेगरी वाले वैसे वाहन जो ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल करते हैं वह अब स्टेपनी की जगह टायर पंक्चर लगाने व हवा का प्रेशर चेक करने वाले उपकरण भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वाहन M1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं M कैटेगरी की। M कैटेगरी के वाहन यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करती है। इसमें ऑटो रिक्शा से लेकर इंटरस्टेट बसेस तक सभी शामिल हैं। वहीं M1 कैटेगरी ऐसे वाहनों को दर्शाता है जिसका वजन 3.5 टन या उससे कम हो और ड्राइवर समेत 8 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह ना हो। आप समझ ही चुके होंगे कि टाटा एस, बोलेरो और मिनी बस ये सभी वाहन M1 कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल मोटर एक्ट के तहत M कैटेगरी वाले वाहनों में एक एक्स्ट्रा टैग होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होने पर उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि स्टेपनी हटाने के निर्णय के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला ये कि इलेक्ट्रिक वाहनों के आने पर बड़ी सी बैटरी रखने की जगह मिल जाएगी और दूसरा ये कि एक ट्यूबलेस टायर को बदलने से कम समय और ताकत ट्यूबलेस टायर की पंचर बनाने में लगती है। यदि आपके वाहन में ट्यूबलेस टायर है और आपके पास वाहन रिपेयर किट या फिर टायर प्रेशर जांचने वाला उपकरण है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट आपको पंचर बनाने में लगेंगे। एमवी एक्ट में हुए इस बदलाव के बाद M1 वाहन चालकों को अब स्टेपनी रखने या फिर उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमसे जुड़े ट्रक मालिक सहायता केंद्र पर जाएं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।